कॉरपोरेट टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है। यह किसी प्राइवेट, लिमिटेड, लिस्टेड या अनलिस्टेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है। कंपनियों की जो भी कमाई होती है कॉरपोरेट टैक्स उस पर ही लगता है। कॉरपोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम जरिया होता है। सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% लगेगा। वहीं इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17% टैक्स देना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से कंपनियों पर टैक्स बोझ घटेगा। इससे कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कंपनियां अब फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं। विस्तार की नई योजनाओं को शुरुआत मिल सकती है। कॉरपोरेट टैक्स घटाने से भारत कंपनियों के निवेश करने का सबसे आकर्षक स्थल बन गया। इसकी नई दर असल में भारत को दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में शुमार कर सकती है। वित्त मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक इस वर्ष अथवा 2019 में 1 अक्टूबर के बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनियों को अब महज 17.01% का टैक्स देना होगा, जो इससे पहले 35% के करीब था। अभी अमेरिका में कॉरपोरेट टैक्स की दर 27, कनाडा में 26.5, ब्राजील में 34, चीन में 25% और फ्रांस में 35 तथा जर्मनी में 30% है। तो ये थी कॉरपोरेट टैक्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।